ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंटली, सभी ने आंसर्स अलग अलग दिए। द ज़ार एग्री विथ नन ऑफ देम, राजा किसी के भी आंसर से संतुष्ट नहीं हुए। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, और वे किसी को भी इनाम नहीं दिए। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन, लेकिन उनके मन में अभी भी उनके क्वेश्चन का सही आंसर जानने की इच्छा थी। ही डिसाइड टू कंसल्ट अ हर्मिट, उन्होंने डिसाइड किया कि वे सन्यासी से सलाह लेंगे। वाइंडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम, जो विख्यात है अपनी बुद्धिमानी के लिए। हर्मिट लिव इन अ वुड, जो हर्मिट है वे जंगल में रहते थे। विच ही नेवर क्वाइट, वे जंगल से बाहर नहीं आते थे। एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉल्क, वे किसी से नहीं मिलते थे लेकिन वे साधारण लोगों से मिलते थे। सो द ज़ार पुट ऑन सिंपल क्लोथ, इसीलिए राजा ने सिंपल क्लोथ पहना। एंड बिफोर रिच, और उनके पास पहुँचने से पहले द हर्मिट कॉल्ड डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, और सन्यासी के पास पहुँचने से पहले वे अपने घोड़े से उतर जाते हैं। एंड लीविंग हिज बॉडी गार्ड्स बिहाइंड, और अपने बॉडी गार्ड्स को पीछे छोड़ देते हैं। वेंट ऑन अलोन, और खुद अकेले सन्यासी के पास जाते हैं। When the Tsar approached, जब राजा हर्मिट के पास पहुँचते हैं। The hermit was digging the ground in front of his hut, जो हर्मिट है सन्यासी है वे अपने झोपड़ी के सामने गड्ढा खोद रहे होते हैं। Seeing the Tsar, सन्यासी जो है वह राजा को देखते हैं। He greeted him, वे नमस्कार राजा को नमस्कार करते हैं। And went on digging, और फिर से अपना गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। द हर्मिट वाज फ्लाई एंड वीक, जो हर्मिट है वे कमज़ोर थे, पतले थे और कमज़ोर थे। एंड इच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड, और वे एक बार ज़मीन पर कुदाल को मार रहे थे। एंड टर्न अ लिटिल अर्थ, और थोड़े से मिट्टी को निकाल रहे थे। ही ब्रेथड हैवीली, और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे।